हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सुनिधि विवेक मिश्रा कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे होंगे तो अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने और मैं लंच में आज बनाने वाली हूँ बेसन की एक ऐसी सब्ज़ी जिसके सामने मछली भी फेल है खाने में वो इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि मैं क्या बताऊँ लंच में वही सब्जी बनाने वाली थी तो मैंने सोचा उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीचे बेल आइकन है उसे भी हिट कर लें सब्सक्राइब के बगल में उस पर जाके ऑल पे क्लिक करें जिससे मिलेगी आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी और हम लोग सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं फिर मैं मिलती हूँ उसके बाद आप लोगों से तो मैंने लिया है यहाँ तीन मीडियम साइज का प्याज बारह से पंद्रह लहसुन की कलिया और पाँच छः काली मिर्च एक बड़ी इलायची एक छोटी इलायची एक चम्मच जीरा और चार मीडियम साइज़ का टमाटर और दो चम्मच पीली सरसों इन सब का हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे तो मैंने इसमें सब कुछ ऐड कर दिया है टमाटर वो सब वगैरह सब कुछ तो ये पेस्ट बन के हमारा तैयार है तो अब मैं इधर एक बर्तन में ले ली हूँ बेसन बेसन में मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी और लहसुन लहसुन को मैंने छील कर क्रश कर लिया है आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं और मैं इसमें ऐड करूँगी नमक स्वाद या फिर एक छोटी चम्मच और लाल मिर्च पाउडर अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल तैयार कर लूँगी जैसा हम चीला बनाने के लिए घोल तैयार करते हैं ऐसे ही इसका एक घोल तैयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाएंगे इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए और ये देखिए इसी टाइप का कुछ हमारा घोल बन के तैयार होना चाहिए और फिर मैं इधर एक तवा ले ली हूँ उसे उस पर मैं ऑयल लगा दे रही हूँ और फिर मैं इस पर बेसन का वो घोल डाल दूँगी और फिर इसे फैला दूँगी और फिर इसे मोड़ दूँगी ऊपर में जब कच्चा रहे तभी हाफ़ साइड से मोड़ देना है इसे तब ये चिपक जाएगा एक दूसरे में जैसे मैं मोड़ रही हूँ वैसे ही मोड़े और फिर हल्का सा प्रेस कर दे कि ये चिपक जाए और फिर इसे पलट देंगे और फिर हल्का सा ऑयल डाल के दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पका लेंगे फिर ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है एकदम मछली की तरह ही लगती है खाने में तो ऐसे ही मैंने फिर से दूसरा बनाने का तैयारी कर लिया है फिर से मैं ऐसे ही करके मैं सारे चीले टाइप के वो बना के रेडी कर लूँगी इसे मैं दूँगी साइड से, से पलट दूँगी और फिर ऑयल डाल के इसे पका लूँगी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए तो मेरे सारे चीले जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं तो अब मैं इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लूंगी चौकोर में एक नाइफ की हेल्प से ये देखिए कुछ स्टेप्स इस इसे कट करना है तो मैं ऐसे ही सारे बेसन के जो चीले हैं उन्हें मैं कट कर लूँगी तो मेरे सारे पीसे जो है वो कट कर तैयार हो गए हुए हैं आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं इसे भी बहुत टेस्टी लगती है तो मैंने इधर एक कढ़ाई लिया है उसे हीट होने के लिए चढ़ा दिया है और फिर उसमें मैं तेल ऐड कर रही हूँ ये सरसों का तेल है ऐसे हीट होने दूंगी और फिर मैं इसमें आधी छोटी चम्मच सरसों डाल रही हूँ पीली वाली सरसों फिर से चटकने दूंगी और फिर मैं इसमें वही मसाला ऐड करूँगी जो मैंने पीस कर रखा था टमाटर लहसुन ये सब वगैरह का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था तो फिर इसे अच्छे से भूनना है हमें मीडियम फ्लेम पे और अब मैं इसमें इसी टाइम में कुछ सूखे मसाले ऐड कर दूँगी जैसे कि हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और इसमें कोई भी सूखे मसाले मैं ऐड नहीं करने वाली हूँ बस यही तीन चीज़ें ऐड होंगी इसमें और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी और अब इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे मीडियम टू लो फ्लेम पे दस से पंद्रह मिनट भूनूंगी अच्छे से जब तक इसमें से तेल अलग ना होने लगे तब तक इसे भूनना है हम मसाले को जितने अच्छे से भूनेंगे सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बन के तैयार होगी तो यहाँ पे देखिए मैं मसाले भून रही हूँ और ये देखिए यहाँ से तेल अलग होने लगा है मसाले से तो अब समय आ गया है इसमें पानी ऐड करने का तो मैं इसमें तीन बड़े गिलास पानी ऐड करूँगी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करिए आपको जितना गाढ़ा पसंद है आप उतना गाढ़ा रख सकते हैं तो मैं इसमें पानी ऐड कर दे रही हूँ और धैर्य यहाँ बदमाशी कर रहा है और इसे मिक्स कर दूँगी मैं और भी इसे ढक के एक उबाल आने तक इसे पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे जब एक उबाल आ जाएगा तब मैं इसमें वो बेसन का जो मैंने पीसेस करके रखा है उसे ऐड करूंगी इसमें तो उबाल आ चुका है तो मैं इसमें बेसन वाले जो पीस कट करके रखे हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी और फिर मैं इसमें धनिया पत्ती ऐड करूँगी और फिर इसे ढक के एक मिनट बस पकाना है उसे नहीं पकाना है इसे तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी जो है वो बन के लगभग तैयार हो ही चुकी है तो ये बन चुकी है मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और अब इसकी प्लेटिंग कर लूँगी तो फ्रेंड्स देखिए हमारी सुपर टेस्टी बेसन की मछली वाली सब्जी बन के तैयार है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनता है घर में तब तो लगता है कि फीसी बन रही है घर में तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए थैंक यू मैं खुशबू खाना खा रही है कैसा लग रहा है खुशबू खाना हाय बहुत अच्छा लग रहा है सब्जी कैसा बना है सब्जी तो बहुत टेस्टी बना है सच में हाँ। आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स ये सब्जी मछली वाला सब्जी और यहाँ मामा जी गाना गा रहे हैं ये मेरे मामा ससुर जी हैं इन्हें आप लोगों ने पहले भी मेरे किसी ब्लॉग में देखा ही होगा तो गाना गा हैं बहुत अच्छा गाते हैं और यहाँ पे धैर्य खेल रहा है अपने पापा के साथ Friends, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अभी खुशबू ने खाया तो आप लोगों को बताया ही उन्होंने कि कैसा लगा ये सब्जी उन्हें उस पर यकीन मानिए बहुत ही बहुत ही बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है सब्जी अगर जब आप इस सब्जी को अपने घर में बनाओगे तो महक से उसके ऐसा लगेगा कि फिश बन रही है घर में बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से थैंक यू फिर मिलूंगी नए वीडियो में तब तक के लिए बाय